आज देहरादून में उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दोपहर बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की संभावना है। तो ये अहम बैठक आज 1 बजे देहरादून सचिवालय में होगी। और ये बता दें आपको, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यह बैठक होने जा रही है। बैठक में बजट सत्र के अलावा कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है, जिनको लेकर आज चर्चा की जाएगी और असंभवतः इन पर मोहर भी लग सकती है। कुलदीप हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? शिल्पा, राज्य कैबिनेट की जो बैठक है वो दोपहर 1 बजे सचिवालय में होगी, लेकिन उससे पहले मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की जो बैठक है कैबिनेट से पहले हो रही है, इसमें भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जिन पर चर्चा होनी है और जो संभवतः कैबिनेट में आएंगे। जो आज की कैबिनेट की बैठक है उसमें एक तो बजट सत्र को लेकर चर्चा संभव है। राज्य सरकार गैरसैंण में अपना बजट सत्र करवाने जा रही है और तारीख भी करीब करीब तय है। 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक जो विधानसभा का बजट सत्र है वो इस बार गैरसैंण में होगा। पिछली बार भी गैरसैंण में हुआ था, इस बार फिर से सरकार गैरसैंण में बजट सत्र करवाने जा रही है, उसको लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये भी आ सकता है कि अब कुंभ की केंद्र से SOP जारी हो चुकी है, इसके बाद राज्य सरकार को भी प्रावधान उस हिसाब से राज्य में करने हैं। कुंभ को लेकर भी चर्चा संभव है कि इसमें सभी से रायशुमारी की जाएगी कि सरकार को आगे किस तरीके से, क्योंकि जो केंद्र की गाइडलाइन है उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है, वो अनिवार्य है, और राज्य सरकार को भी अपने प्रबंध करने हैं। हालांकि तैयारियां सरकार की तरफ से पहले ही की जा रही है और लगातार चाहे कुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार के भी दौरे पर रहे हैं, वहां भी उन्होंने जायजा लिया है, तो उस संबंध में भी चर्चा ये माना जा रहा है कि ये हो सकती है। एक बड़ा विषय जो निकल कर आ रहा है, हाल ही में अल्मोड़ा के दौरे पर जब मुख्यमंत्री गए थे तो एक विषय उनके सामने उठा था पहाड़ों में प्राधिकरण को लेकर, और इसको लेकर लगातार BJP के जो विधायक हैं, स्थानीय लोग भी हैं, उनमें एक रोष है। उनका सीधे तौर पे ये आरोप था कि जो प्राधिकरण के नाम पर कहीं ना कहीं आम आदमी से जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें पैदा हो रही हैं और लिहाजा ये प्राधिकरण को खत्म किया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से भी आश्वस्त किया गया था। तो संभवतः मंत्रिपरिषद की बैठक में भी चर्चा इसमें हो सकती है, कैबिनेट में ये विषय आ सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य विभागों के आंशिक संशोधन के प्रस्ताव है वो राज्य कैबिनेट की बैठक में आएंगे। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, हालांकि इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर चर्चा संभव है। जी बिल्कुल कुलदीप, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पर गिनाए। बजट सत्र की अगर बात की जाए इसको लेकर भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर अहम बैठक करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होने वाली इस बैठक में संबंधित भागों के अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान के आधार पर विकास किया जा रहा है। तो ये आपको बता दें, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पर ये अहम बैठक आज होने जा रही है और इसी को लेकर ये अहम बैठक सचिवालय में 11:30 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे। कुलदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। कुलदीप, महत्वपूर्ण बैठक केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को लेकर? शिल्पा, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। मुख्यमंत्री 11:30 बजे से सचिवालय में समीक्षा करेंगे। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जो निर्माण या पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। दरअसल केदारनाथ धाम को लेकर पहले बात करें तो खुद प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगातार वो भी मॉनिटरिंग इसकी करती आ रहे हैं कि किस तरीके से जो केदारनाथ धाम है वहां पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो चल रहे हैं, लगातार वो भी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करते हैं। आज मुख्यमंत्री भी समीक्षा करेंगे क्योंकि करीब करीब काफी काम वहां पर हो चुके हैं और अब एक तरीके से जो पुनर्निर्माण के कार्य में उन्हें अंतिम रूप दिया जाना है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां भी एक मॉडल के तौर पर विकास बद्रीनाथ धाम का, मास्टर प्लान के आधार पर बद्रीनाथ धाम का भी विकास होना है, यात्री सुविधाओं का विकास वहां पर होना है,
क्योंकि जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड चारों धाम तक पहुंच रही है, इसके अलावा अब रेल कनेक्टिविटी से भी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल कनेक्टिविटी है सीधे तौर पर बद्रीनाथ धाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी सरकार ये मानकर चल रही है। और इसी हिसाब से उन धामों में जो भी सुविधाएं होनी है, उन धामों में जिस तरह के विकास कार्य किए जाने हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां सरकार के स्तर से भी की जा रही है, काम भी करवाए जा रहे हैं और बद्रीनाथ धाम का तो मास्टर प्लान के आधार पर विकास करवाया जाएगा। तो इसीलिए आज जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री इस बात की भी समीक्षा करेंगे दोनों धामों में जो निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य खासतौर से जो केदारनाथ धाम में चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर।